राजस्थान में जोधपुर की सहायक कलेक्टर प्रियंका बिश्नोई की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वह बीमार थी और अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती थी। हाल ही में जोधपुर के कलेक्टर ने इलाज में लापरवाही के मामले में एक कमेटी गठित की थी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही प्रियंका बिश्नोई की मौत हो गई है। उनके इलाज में षड्यंत्र पूर्वक लापरवाही बरतने का आरोप है। प्रियंका बिश्नोई हाल ही में 1 सितंबर को ही तबादला नगर निगम उपायुक्त हुआ था। 5 सितंबर को वो सर्जरी के लिए शहर के वसुंधरा अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन होने से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उनको 7 सितंबर को अहमदाबाद रेफर किया गया था। बुधवार रात को उनकी वहां मौत हो गई। प्रियंका बिश्नोई के निधन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिश्नोई समाज सहित सभी लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी प्रियंका बिश्नोई के निधन पर दुख जताया है। प्रियंका बिश्नोई साधारण परिवार से थी। 2016 में उनका RAS के लिए चयन हुआ था। ग्रामीण परिवेश से आने वाली अधिकारी ने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत जल्दी लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। प्रियंका बिश्नोई प्रशंसनीय कार्य के लिए 15 अगस्त को सम्मानित हुई थी। बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई ने प्रियंका की मौत की जांच CBI से करवाने की मांग की है। 2016 बैच के अधिकारी प्रियंका बिश्नोई बीकानेर के नोखा की रहने वाली थी। उनके पिता वकील हैं। उनका विवाह फलोदी जिले के सूरपुरा के रहने वाले विक्रम बिश्नोई से हुआ था, जो आबकारी अधिकारी हैं, जबकि ससुर सही राम बिश्नोई पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। प्रियंका के ससुर सही राम बिश्नोई ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जोधपुर के निजी अस्पताल में उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जांच करवाने के लिए आग्रह किया था, जिस पर कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज को जांच के लिए निर्देश दिए थे। प्रिंसिपल डॉक्टर भारती सारस्वत ने बताया कि जांच कमेटी गठित की गई है। 3 दिन में जांच के बाद रिपोर्ट आज मिलने की संभावना है। RAS अधिकारी प्रियंका बिश्नोई का बीते दिनों जोधपुर के निजी चिकित्सालय में इलाज के दौरान तबीयत बिगड़ी थी। बाद में परिजन प्रियंका बिश्नोई को अहमदाबाद लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जोधपुर में इलाज के दौरान डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा था, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने जोधपुर के निजी चिकित्सालय के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए थे।